हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू किज्जारा स्कूल। आज हम किसका सब्जेक्ट पढ़ने वाला है, तो आज का सब्जेक्ट है हिंदी, स्टैंडर्ड टू, पेज नंबर 27, लेसन नंबर 5, दोस्त की मदद। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। इसी तालाब में एक कछुआ रहता था। एक तालाब में कौन रहता था? कछुआ। तालाब के पास मांद में रहने वाली एक लोमड़ी से उसकी दोस्ती हो गई। तालाब के पास मांद में रहने वाली एक लोमड़ी से क्या हो गई? दोस्ती हो गई। मांद में यानी कि गुफा में रहने वाली। एक दिन वे तालाब के किनारे गपशप कर रहे थे। एक दिन तालाब के किनारे गपशप यानी कि बातचीत कर रहे थे। एक तेंदुआ वहाँ आया। वहाँ पे कौन आया? एक तेंदुआ। दोनों अपने अपने घर का और जान बचाकर भागे। दोनों अपने घर का और जान बचाकर भाग गए। लोमड़ी तो सरपट दौड़कर अपनी मांद में पहुंच गई, पर कछुआ अपनी धीमी चाल के कारण तालाब तक नहीं पहुंच सका। लोमड़ी तो फटाफट दौड़कर ये अपनी गुफा में पहुंच गई और कछुआ अपनी धीमी चाल के कारण पहुंच न सका। तेंदुआ एक छलांग में उस तक पहुंच गया। तेंदुआ एक छलांग मारी, वहां पर पहुंच गया। पेज नंबर 28। कछुए को कहीं छुपने का भी मौका न मिला। कछुए ने के कहीं छुपने का मौका भी न मिला। तेंदुए ने तो कछुए को मुंह में पकड़ा और उसे खाने के लिए एक पेड़ के नीचे चला गया। कछुए ने मुंह में पकड़ा और खाने के लिए कहाँ पर गया? एक पेड़ के नीचे गया। लेकिन दांतों और नाखूनों का पूरा जोर लगाने पर भी कछुए की सख्त गोल खरोच तक नहीं आई। लेकिन दांतों और नाखूनों का पूरा जोर लगाने की कछुए की सख्त खोल पर खरोच तक नहीं आई। खोल यानी कि बाहरी परत। लोमड़ी अपनी मांद से यह देख रही थी। लोमड़ी कहाँ पर थी? अपनी गुफा में यह देख रही थी। उसने कछुए को बचाने की तरकीब सोची। लोमड़िए कछुए को बचाने की एक योजना सोची। तरकीब यानी कि एक योजना सोची। उसने मांद से झांक कर बाहर देखा और भोलेपन के साथ बोली, तेंदुए जी, कछुए की खोल को तोड़ने का मैं आसान तरीका बताती हूँ। क्या कहा? तेंदुए जी, कछुए के खोलने के तोड़ने में एक आसान बताते हो। इसे पानी में फेंक दो। लोमड़ी क्या बोली? इसे पानी में फेंक दो। थोड़ी देर में पानी से इसका खोल नरम हो जाएगा। पानी में फेंक दो तो उसका खोल के बाहरी परत
नरम हो जाएगा। चाहो अजमा कर देख लो, चाहो अजमा कर देख लो कि अजमा कर ले करके देख लो। टेदू ने कहा ठीक है अभी देख लेता हूँ। टेदू ने क्या कहा, ठीक है अभी देख लेता हूँ। यह कहकर उसने कछुए को पानी में फेंक दिया। लोमड़ी ने कहा तो तुरंत तेंदुए कछु के पानी में फेंक दिया। बस फिर क्या था, गया कछुआ पानी में, और कछुआ पानी में गया तो बच गया। पेज नंबर 29 कहानी से ये वाला क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट नंबर, लोमड़ी ने कछुए को बचाने का क्या उपाय सोचा। आंसर, कछुए को थोड़ी देर के लिए पानी में फेंक दे। लोमड़ी ने कछुए को बचाने के उपाय का क्या सोचा कि कछुए के थोड़ी देर के लिए पानी में फेंक दो ताकि यह खोल नरम हो जाएगा। दूसरा नंबर, तेंदुए ने क्या मूर्खता की। आंसर, लोमड़ी के कहने पर कछुए तालाब में फेंक दिया। तो तेंदुए ने मूर्खता की कि लोमड़ी ने कहने पर कछुए को तुरंत तालाब में फेंक दिया। तेंदुए की इस मूर्खता कछुए के क्या फायदा हुआ। आंसर, तो जान बच गई और फिर से तालाब में पहुंच गया। तो कछुए की जान बच गई और तालाब के पहुंच गया। गपशप ये वाला ओमिट है। जब तेंदुआ आया तब कछुआ और लोमड़ी गपशप कर रहे थे। सोचो वे क्या बातें कर रहे होंगे, यह तुम अपने दोस्तों के साथ मिलकर सोचो। लोमड़ी और कछुआ दोनों क्या कर रहे हैं, बातचीत। तो ये वाला अपने दोस्तों के साथ मिलकर करके सोच लो। सोची गई गपशप पर तुम नाटक भी कर सकते हो बच्चों। कछुआ चाल, कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है, इसीलिए जो बहुत धीरे चलता है उसके लिए हम कहते हैं वह कछुए की तरह चलता है। अब बताओ इनके लिए क्या कहेंगे। अब बताओ जो तेज भागता है तो वह ब्लैंक्स में क्या लिखना है। ब्लैंक्स में कोड़े लिखना है कि तरह भागता है, वह कोड़े की तरह भागता है। जो बहुत अच्छा तैराक हो तो वह मछली की तरह तैरता है। मछली पानी में तैरता है ना, तो ब्लैंक्स में मछली लिखना है। ये वाला पूरा सा पूरा टेक्स्ट बुक में लिखना है। पेज नंबर 13 तुम्हारी समझ से। जब तेंदुए ने कछुए को पकड़ा तब फर्स्ट नंबर वह क्या सोच रहा होगा। आंसर, किसी भी तरह उसकी जान बच जाए, वह सोच रहा था ना, तो किसी भी उसकी जान बच जाए। उसने उस समय किसे याद किया होगा, तो उसे समय को भगवान को याद किया होगा। खोल जैसा सख्त, बताओ कछुए के खोल जैसी सख्त चीज़ें और क्या क्या हो सकती है। तो आंसर, नारियल, शंख, कौगा, सीपी चीज़ें हो सकती है। ये दूसरा वाला ओमिट करना है।
एक से अनेक, ये पी डब्ल्यू में लिखना है बच्चों। एक कछुआ पानी से बाहर निकल आया, तीन कछुए पानी से बाहर निकल आए। अब नीचे दिए शब्दों को बदल कर लिखो। एक कपड़ा तो तीन कपड़े, एक रुपया पंद्रह, एक गबा चार, एक पौधा आठ, एक पतीला दो, एक संतरा दस। ये वाला ब्लैंक्स में बच्चों आपको लिखना है, ये पूरा सा पूरा टेक्स्ट बुक में लिखना है। पेज नंबर 31। किसकी चाल बताओ, ऐसे कौन कौन चलता है? तो फुदक फुदक कर कौन चलता है? चिड़िया, मैना। चिड़िया मैना। चौकड़ी भरकर कौन चलता है? हिरन, खरगोश। छलांग लगाकर कौन चलता है? मेढक, कंगारू। रेग रेग कर कौन चलता है? सांप, कछुआ, जोंक। ये वाला ब्लैंक्स में लिखना है बच्चों। मुलायम नरम। लोमड़ी ने तेंदुए को बताया था कि पानी में फेंकने से कछुआ खोल मुलायम हो जाएगा। नीचे लिखी चीज़ों में से कौन कौन सी चीज़ें पानी में फेंकने से मुलायम हो जाएगी? सही जगह पर लिखो। कागज, लकड़ी, गिलास, रोटी, बिस्किट, प्लेट, पत्ता, मोम, रुई, पापड़। दो बॉक्स है तो मुलायम फर्स्ट वाला बॉक्स में मुलायम हो जाएगा और दूसरा वाला बॉक्स में मुलायम नहीं होगी। तो मुलायम हो जाएगा जाएगी तो कागज मुलायम हो जाएगी, रोटी, बिस्किट, पत्ता, रुई यानी पापड़। ये वाला पानी में फेंको तो नरम हो जाएगा, दूसरा वाला मुलायम नहीं होगी, लकड़ी, गिलास, प्लेट, मोम। ये वाला पानी में फेंकने से मुलायम नहीं होगा। तो ये वाला टेक्स्ट बुक में लिखना है बच्चों। थैंक यू।